माफिया मुख्तार अंसारी के करीबियों पर पुलिस प्रशासन का शिकंजा जारी है। इसी क्रम में लखनऊ में मुख्तार के करीबी बिल्डर सिराज अहमद के हॉस्पिटल पर शुक्रवार को लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर कार्रवाई कर ध्वस्त कर दिया। FI हॉस्पिटल को प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त कर दिया गया, जैसा कि LDA ने 24 दिसंबर 2023 को ही अस्पताल सील कर दिया था और अभी कार्यवाही से दो दिन पहले बुधवार और गुरुवार को अस्पताल की सील खोलकर रखे सामान को निकालने की छूट भी दी थी। सिराज अहमद, जो कि FI बिल्डर का मालिक है, उस पर आरोप है कि बिना नक्शा पास कराए जमीन पर कब्जा कर अस्पताल बनाया गया था। इसके अलावा आरोप है कि FI अस्पताल में मुख्तार अंसारी का अपराध से कमाया गया रुपया लगा है और इसी को लेकर बिल्डर सिराज और उसके भाई मोनिस समेत तमाम लोगों के खिलाफ कैसरबाग कोतवाली में FIR भी दर्ज है, जिसमें मोनिस की तो गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकियों को लखनऊ पुलिस तलाश रही है। इसी FI टावर में मुख्तार अंसारी का भी पेंट हाउस था, उसे भी इस कार्यवाही में ध्वस्त किया गया। बता दें कि बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्तियों पर लखनऊ विकास प्राधिकरण की नजर है, जिसको लेकर LDA सिलसिलेवार संपत्तियों को खंगाल कर इस तरह से कार्रवाई कर रहा है। अस्पताल से सटे FI टावर बिल्डिंग भी सिराज अहमद की है, इस पर भी बने दो फ्लोर को अवैध घोषित किया है, जिस पर जल्द कार्रवाई होनी है। LDA ने इसको लेकर भी नोटिस जारी किया हुआ है। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ ABP News पर। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।